आज के वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आपके शरीर में ऐसी क्या प्रतिक्रिया होगी कि आप पहचाने कि आप पर जो तंत्र प्रयोग किया गया था वो अब निकलने लगा है, उसका निवारण होने लगा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपके शरीर में अचानक से बहुत गैस बनने लग जाए और वो गैस निकल नहीं पा रही थी तो आप समझे तंत्र बाधा है, लेकिन जब गैस निकलने लग जाए तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपके अंदर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके भीतर से निकल रही है, तंत्र बाधा निकल रही है। दूसरी चीज़ है कि वॉमिट आना, वॉमिट आना इस बात का इंडिकेशन है कि आप पर किसी ने तांत्रिक क्रिया की थी और वो आपके अंदर से निकल रही है। तीसरा है शौच क्रिया, पहले पेट साफ ना होए और उसके बाद अचानक से ऐसा दो तीन बार आपको शौच के लिए जाना पड़े और आपका पेट साफ हो जाए तो भी समझ जाओ कि तंत्र बाधा आपकी निकल रही है। इसके अलावा पसीना आना, पसीना वैसे और भी कई कारण से आ सकता है तो मेरी इस बात को एक पक्षीय ना लेवें और पसीना आए तो अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं, लेकिन फिर भी पसीना आना इस बात का द्योतक है कि वो नेगेटिविटी आपके शरीर से रिमूव हो रही है। अचानक से बहुत ज़्यादा नींद आना, अचानक से नींद आना भी इस बात का इंडिकेशन है कि आप पर तंत्र बाधा हुई थी लेकिन वो अब उसका निवारण हो रहा है। इसके अलावा उबकाई आना, बहुत ज़्यादा उबासी और उबकाई आना तंत्र बाधा अभी आपके भीतर मौजूद है इस बात का इंडिकेशन है, लेकिन जब ये उबकाई आना और उबासी आना कम हो जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि तंत्र बाधा का अब निवारण हो रहा है। मतलब किसी से आपने कुछ निवारण करवाया है या आप उपाय कर रहे हैं तो आपके बॉडी में इस तरह के चेंजेस होने लगेंगे जिससे कि आप अनुमान लगाएंगे कि आपकी जो तंत्र बाधा थी वो निकलने लगी है।